अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आ जाएं, वीडियो शुरू करते हैं, साथ बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता मैं इनके लिए बनाने लगी, इनके लिए के मतलब मेरे मियाँ के लिए, कि ना जो सिस्टर है वो कहनी इनके या उनके कौन है आप, इनका नाम नहीं लेती, इनका नाम नहीं लेती मैं, नाम वाकई नहीं लेंदी मैं। ये कहती बात सुने बात सुने, गल सुने गल सुने, मैंने इनका नाम रखा है गल सुने। तो हर कोई अपना अपना नाम रखता है, कोई जानो शानो लाडो मेरा एक सिंपल सा नाम है बात सुने गल सुने, यही है। अच्छा जी, मैं नाश्ता इसलिए बना रही हूँ कि इन्होंने ना बच्चों के स्कूल में कोई ब्रीफ आए हुए थे, लेटर, तो वो देने जाने हैं फिल करके। कुछ की समझ नहीं आ रही थी, वो पूछने जाना है क्योंकि बच्चों ने जाना है नेक्स्ट मंथ या हाँ इस अगले महीने जाना है इन्होंने ना ट्रिप पे जाना, जैसे क्लास एंड फाड़ होती है ट्रिप होता है ना, जैसे हमारे ट्रिप होता था। हाय की वक्त याद आ जाता, थोड़ा ट्रिप हुंदा सी ना सच्ची, असी ना फैसलाबाद रहते थे, हमारा गट वाले ट्रिप भी जाता था ना, तो कोई असी किन्ने किन्ने दिन पहले ही सोना बंद कर देता सी कि असी जाना है स्कूल, भावें जाओ भावें ना जाओ, लेकिन अगर आपको ट्रिप कहीं जा रहा है ना, फिर तो कितने कितने दिन पहले ही ना हमारी नींद उड़ जाती थी कि कब वो दिन आएगा, कब हम जाएंगे। तो सेम हालत आफिया फान की ऐसे है, उनको मैं देखती हूँ तो मैं कि सच्ची बात है, वो बेचारे ठीक कहते हैं, हम भी ऐसे ही थे। तो सैर सपाटा किन्नू नहीं पसंद है, तो हमारे जमाने में तो वैसे कोई घट वाद ही सानू कितने लैके जाता सी, क्योंकि मेरे जो ननिहाल है ना वो थे कराची में, मेरे एक ही मामू थे कराची में थे, और एक थे मतलब ना वो भी इधर उधर रहते थे, मतलब कि मैं अगर आपको पता है नानी अम्मा आना फिर बंदा जाता था, जब नानी अम्मा आना और मामू भी इतनी दूर हो तो फिर बहुत कम होता है, जो दयाल वो सारे पास 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 हमारे घर थे, तो असी ना छुट्टियां बहुत घट चाहिए सी, कितने चाहिए सी। तो जब बाजू की शादी हुई ना फिर हमारा वो घर बन गया, चलो जी आज हम इस बाजी के घर जाएंगे, आज हम उस बाजी के घर जाएंगे, तो बाजी की बड़ी थी तो वो फिर हमारा छुट्टियों में 1-2 दिन का होता था, ये नहीं कि 3 महीने की छुट्टियां है तो अभी मतलब ना उत्थे काट आइए। तो जब स्कूल का ट्रिप जाता था फिर यही होता कि थारा चा ना असी उत्थे पूरा कारण है, तो आप अंदाजा लगाया ट्रिप भी हमारा 1 दिन का, सुबह जाना शाम को आ जाना, वो कौन सा उन्होंने हमें होटल पे ठहराना है फुल मजे दवाना, वो 1 दिन ही साड़ा साल पूरा असी उत्थे डिस्कस करनी होंगी सी कि असी ए भी किया, असी उत्थे झूठा लिया, असी उत्थे भी कश्ती ले। तो ये बात होती है, छोटी छोटी यादें जो होती हैं, जब बच्चों के टाइम आते हैं ना तो सानू अपना आपका याद आ जाता है, तो इसलिए मैं अपनी बातें जो है ना पुरानी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कल मैंने बात की थी विशाल की, तो आप लोगों ने ना वो सब ने जो माए हैं ना वो सारी मेरी बातों पे मुतफिक इतफाक करती हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक करती हैं, ऐसे ही है सारा जमाने में तो ना, बस तुम कुछ ना पूछो कि मज़ेदार जमाना से, अजकल तो बस बिकदरे जे बच्चे ने। अच्छा चलो मैं वो बात करती रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, उसी मैं लेके आई थी ना अफगानी भाई की दुकान से एक लेके आई थी बेडशीट, दो सेट थे जुड़े हुए, तो अकेला ले नहीं सकती थी इसलिए मुझे मजबूरन बेडशीट भी लेनी पड़ी, लेकिन अच्छा ही किया मैंने, आज सोचा मैं कुछ सेट सूट करती हूँ क्योंकि रजाई इतनी बड़ी है, अकेले का काम नहीं, मिशाल को बुलाया और साथ दोनों ने हम माँ बेटी ना सही साओ साई हो के मैंने ये चादर और ये बेडशीट लगाई है, तो खैर मतलब ना बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन अब मैं इसको वॉश करूंगी फिर पता चलेगा, मुझे लग रहा है कि वॉश करके ना थोड़ी तंदी तंदी इसकी ख़राब हो जानी बेडशीट की, लेकिन रजाई का कवर बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि आपकी रजाई बढ़िया और कवर छोटा है, तो बिल्कुल ठीक है कोई सच नहीं कोई झूठ नहीं, मतलब बिल्कुल सच कहा, तो मेरी रजाई जो है ना वो थोड़ी सी साइडों से भी बड़ी थी और लंबाई में, मैंने क्या किया है मैं बड़ी सियानी, मैंने आगे से भी थोड़ी फोल्ड कर ली और लंबाई में भी फोल्ड करके ना, तो उसको ना टांके लगा लिए थे ताकि पूरी अंदर फिट आ जाए, हूँ मैं वापस से करना हो रही, मेरे से ये होता नहीं था इसलिए मैंने बड़ी अच्छी पूरी कर ली, बड़ी सियानी भुआ बन के। अच्छा जी, मैं आपको मुझे सब कह रहे सुबह आप किसके साथ फेस वॉश करती हैं क्या करती है, तो अभी फेस वॉश करने के लिए आपको दिखाया भी हो थीरम का क्लिनजिंग कह लें फेस वॉश कह लें कुछ कह लें, वो थोड़ा सा लेना और पानी डाल के वो मैंने इसके साथ फेस वॉश किया है, उसके बाद मैं लगाऊंगी सीरम और ये मैं ऐसे लगाऊंगी कि अभी मैंने ना थोड़ा सा मुंह साफ किया नहीं है, गीला गीले पे लगा लिया है, और जब मेरा सीरम जो है ना वो मेरा हो जाएगा ड्राई तो फिर मैं ये लगाऊंगी एलोवेरा जेल लिया थोड़ी सी 2 तुबके 2 कतरे और साथ मैंने लिया 2 ही कतरे मैंने लिया था ऑयल का ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इनको मैं मिक्स करूँगी, ज़्यादा हाथ के साथ नहीं मलूंगी, बस हल्का हल्का लगा के ना मुँह पर आपने टच करना है, उसको रगड़ना नहीं है ताकि अंदर ही जज़्ब हो जाना, ये इतना अच्छा जिसके पास क्रीम वगैरह नहीं है ना, ये 2 चीज़ें आप लगा लेना तो सच्ची में मतलब बाहर आ जाए चेहरे पे, कोई ज़रूरत नहीं आपको दिन की क्रीम अलग और रात की अलग अलग क्रीम लेने की। चले जी, ये भी हो गया,
ते हुण आ जाने वापस किचन में। किचन में मैंने पहले ऑयल डालना, फिर एक मैं भूल गई, मैंने ये था कि मैं का पहले पानी सोरा ना थोड़ा सा सूख जाए फिर मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल डाला है, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ उसके लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है, सिर्फ सिंपल इसको मैंने ना मतलब अच्छी तरह पकाना है। और थोड़ा लहसुन, जो लहसुन का पाउडर डालूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो जवे भी मतलब छोटे छोटे करके डाल सकते हैं। तो अभी इनको मैं अच्छी तरह भूनूंगी ताकि जो कीमे का कच्चा पान है ना वो मतलब ना मुक जाए ना, ठीक है। अभी इसको ठंडा होने के लिए ना मैं रख दूंगी, और मैं अब दूसरी साइड पे लूंगी ब्रोटली है मैंने, जो लामाचून या शवारमा की जो मिलती है ना पैकेट में, तो ये आप तुर्की मार्केट में जाएंगे तो वहाँ बने पैकेट, जैसे 4 से 6 रोटियों की ना ऐसे पैकेट बने होते हैं, तो आप ना ले आए, सच्ची में ये बड़े फ़ायदे की होती है। कुछ और मिले ना मिले तो बच्चों के लिए ना आप इधर कैचअ मायो लगाएं, अंदर कुछ सलाद वगैरह लगाए, उनके रोल बना के दे दो, बड़े आराम से खा लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अभी कीमा लिया और उसको, हालांकि ये मैंने आपको दिखा रही हूँ ना, कीमा जो है ना नॉर्मल कच्चा कीमा अंदर डालना था, जैसे कच्चा कीमा नहीं, तो मैंने कच्चा नहीं डाला, मुझे ना मुझे ये था पता नहीं सही पके ना पके, मैंने उसको पका लिया हल्का सा पहले। तो आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं, कच्चे कीमे का ये है कि आपका खिसकेगा नहीं, चिपक जाएगा वो, पता जब आपको पता है कच्चा कीमा होता है मशीन के तरह से गुजारा होता है, वो चिपक जाता है रोटी के साथ। तो मैंने ऐसे पकाया तो वो अलग अलग हो गया दानेदार ना, लेकिन मुझे ऐसे मज़ा आया कि पक्का तो हुआ ना, जब मैं ओवर में डालू ये ना ऊपर से चीज़ें मेरी पक जाए और कीमा जो ना वो कच्चा बन छोड़े, वो फिर ना मतलब दिल च वहम हों ना, समझा करो। अभी मैं देखे मैं छोटे छोटे इसके ना बड़े एहतियात के साथ इसको काटना है, क्योंकि कीमा अंदर बिखर ना जाए ना। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ फूल बना के तुम ये डिश चला रहे ने। तो अभी मैं अलग से जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ना वो आपने डाल लेनी, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने एक टमाटर का जो होता है ना मतलब कैन वो लिया है, नमक मिर्च और थोड़ी सी ओरिगानो डाल के उसको मैं मतलब ग्राइंड करके ना, तो वो इसके ऊपर छिड़काव करूँगी अच्छी तरह, और उसके ऊपर डालूंगी चीज़। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप मोज़रेला भी डाल लें, मैं मोज़रेला डालूँगी क्योंकि चीज़ मेरे को नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शनल होते हैं, आपके पास जो भी है ना वो डाल लिया करें, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही होना चाहिए, और थोड़ी सी चीज़ को आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का भी, आप थोड़ा सा अंदर डिज़ाइन डिज़ून डाल सकते हैं, खाने पीने में भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी ओवन में रखूँगी, ओवन जो है मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, प्री हीट कर लिया थोड़ा सा ताकि अंदर गर्म जाए ना रेत, उसके बाद मैं 200 पे करके ना, तो 5 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट ज़्यादा से, क्योंकि इसको मेल्ट ही करना है हमने, कोई इतना मतलब है ही टाइम लगना ही नहीं था। और ये देखिए इतना मज़े का बना था सच्ची में, मैंने ना क्या किया, बच्चे जब स्कूल से आए ना तब बनाया था, और उन्होंने एक एक पीस लिया क्योंकि वो स्कूल से खा गया थे, और जो मियाँ जी ने वो रात 11 बजे आए थे, उनके ना मैं 2 अलग से रखे पीस, लेकिन मुझे क्या पता था कि उन्होंने ट्रे ही खाली कर दी, सुबह उठी तो खाली पड़ी हुई थी, इतना उनको मज़ा आया। मैं भी अब एक डंडी मारूंगी, मैं आजकल थोड़ी ही से ना परहेज कर रही हूँ ऐसी चीज़ पर, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया, एक पीस मैंने लेके खा के मज़ेदार। चलो जी इतने मैनू दो वो इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।